हेलो गाइस, वेलकम टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निर्देश मान और आज मैं आपको बेस्ट टेक पार्क्यू अल्टोरा के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम इस लग्जरी प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी, सैंपल फ्लैट, लोकेशन बेनिफिट जैसी सभी डिटेल्स को अच्छे से कवर करने वाले हैं, तो कंप्लीट क्लियरिटी के लिए वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। Now let's start our video. हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, ये बेस्टेक ग्रुप की तरफ से डेवलप किया गया है और बेस्टेक ग्रुप गुड़गांव के जाने माने डेवलपर्स में से एक है, क्योंकि बेस्टेक ग्रुप ने बहुत सारे लग्जरी प्रोजेक्ट जो है गुड़गांव में लॉन्च कर रखे हैं और डिलीवर भी कर रखे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम बेस्टेक पार्कव्यू अल्टोरा है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 79 गुड़गांव में लोकेटेड है। इसमें हमें 3 BHK एंड 4 BHK हिल व्यू अपार्टमेंट्स मिलते हैं और यह एक हाई राइज प्रोजेक्ट है। इसका जो पोजीशन है वो आपको नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर जो है मिल जाएगा। इसमें हमें 60% ओपन एरिया मिलता है और इसमें सिर्फ आपको 510 यूनिट्स मिलती हैं, जिसकी वजह से ओपन एरिया आपको अच्छा खासा मिल जाता है और साथ ही एक स्पेशियस लग्जरी क्लब हाउस भी मिल जाता है। प्रोजेक्ट का जो टोटल एरिया है वो 10.10 एकड़स है। अगर हम अपार्टमेंट साइज की बात करते हैं तो इसमें हमें 3 BHK के 3 साइज मिल जाते हैं और 4 BHK का एक साइज मिलता है 2675 स्क्वायर फीट का। बाकी आपको मैं इनके फ्लोर प्लान पर समझाऊंगा प्रॉपर वे के अंदर कि आपका जो अपार्टमेंट का एरिया जो है वो कैसे डिवाइड किया गया है, तो वो मैं आपको जब फ्लोर प्लान आपको एक्सप्लेन करूंगा उस टाइम आपको समझा दूंगा। इसके अलावा इसमें आपको फुल्ली लोडेड लग्जरी अपार्टमेंट मिलते हैं। फुली लोडेड मीन्स क्या होता है कि इसमें आपको जो है मॉड्यूलर किचन, एसी इन ऑल रूम्स एंड क्लोज टू नेचर अराउंडली फेसिंग अपार्टमेंट मिलते हैं। एंड वन मोर थिंग इज, इसके अंदर जो है आपको लग्जरी क्लब हाउस मिलता है, विच इज वेरी स्पेशियस एंड प्राइम। अगर हम पेमेंट प्लान्स की बात करते हैं तो इसमें हमें 2 पेमेंट प्लान मिल जाते हैं, पोजीशन लिंक पेमेंट प्लान एंड सेकंड इज डाउन पेमेंट प्लान। पोजीशन लिंक को हम PLP प्लान भी कहते हैं और जो दूसरा है वो डाउन पेमेंट प्लान है। अभी फिलहाल इसमें कुछ ऑफर्स भी हैं, प्राइस भी जो है चेंज होने वाली है, जिसकी वजह से मैं आपको प्राइस भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपको जो है अगर ऑफर्स वगैरह के साथ जाते हो तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। तो प्राइस, ऑफर्स एंड पेमेंट प्लान्स के लिए जो है अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके जो है पता कर सकते हैं, फील फ्री होकर आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोकेशन कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट एक्चुअल में कहाँ लोकेटेड है और कनेक्टिविटी क्या मिलती है। तो हमारे प्रोजेक्ट जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है NH8 और SPR रोड से। सराउंडिंग में हमें सेंट जेवियर स्कूल, सूरज स्कूल जैसी रेप्यूटेड फंक्शनल स्कूल्स मिल जाती हैं और RV हॉस्पिटल भी आपको नियर बाय में ही मिल जाता है। अगर हम सराउंडिंग में डेवलपमेंट की बात करें तो सराउंडिंग में हमें एलान मर्केडो, सफायर 82, एम्थियम कॉर्नर वॉक जैसे बड़े मॉल मिल जाते हैं और यही नहीं, ये सभी मॉल्स जो है ऑलरेडी फंक्शनल है। इट मीन्स सराउंडिंग भी आपको जो है काफी प्रीमियम मिल जाती है। अब मैं आपको जो है गूगल मैप के सैटेलाइट व्यू के ऊपर जो है लेकर चलता हूँ और मैप के ऊपर आपको समझाता हूँ कि कनेक्टिविटी आपकी कैसे बनती है प्रोजेक्ट से। साथ ही आपको मैं आपको जो है एक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो भी दिखाने वाला हूँ मैप के साथ साथ ही, जिससे आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगी कि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो कैसे मिलती है और सराउंडिंग कैसी है। तो चलिए गूगल मैप के ऊपर चलते हैं। तो गाइज, हम गूगल के सैटेलाइट व्यू के ऊपर आ चुके हैं। अब हम गूगल मैप पे समझेंगे कि हमारी जो कनेक्टिविटीज हैं वो कहाँ कहाँ से बनती हैं और साथ ही में सराउंडिंग में क्या क्या है, और साथ ही मैं आपको जो है साइट में आप देख भी पा रहे होंगे एक्चुअल भी जो है कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ कि फिलहाल रोड की कंडीशन क्या है और कितने क्या बन चुकी है या बनने वाली है। ठीक है, उसी के साथ में उसके बाद हम जो है इसके फ्लोर प्लानों को समझेंगे, इसमें जो हमें 3 BHK और 4 BHK के जो अपार्टमेंट मिलते हैं उनके फ्लोर प्लान्स कैसे हैं, एरिया को कैसे डिवाइड किया गया है, एंड आफ्टर दैट जो है हम सोसाइटी व्यू को देखेंगे। तो चलिए अब हम जो हमारी साइट विजिट है वो स्टार्ट कर लेते हैं गूगल मैप पर भी और एक्चुअल में भी। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये हम जो हमारी साइट विजिट है वो रामपुरा फ्लायर से चालू कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रामपुरा फ्लायर है यहाँ से आप इस साइड आते हो। ठीक है, मतलब मैं आप एक्चुअल में भी देख पा रहे हो कि ये वाली जो है नोरंगपुर रोड जो है इस साइड हमको चलना है और ये वाला जो है ये इधर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे जो है आपको DLF ग्रुप का DLF अल्टीमा मिल जाता है, फिर सिग्नेचर ग्लोबल सिटी है, फिर बेस्टेक पार्क व्यू आनंदा है, फिर मतलब यहाँ पर भी जो है बेस्टेक के अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये यहाँ पे आपको सराउंडिंग में लग्जरी डेवलपमेंट जो है आपको मिल जाती है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जो ये वाली जो रोड है ना, जैसे ये यहाँ पे 60 मीटर है, एज इट इज़ ये 60 मीटर होनी है, इसका काम जो है चालू हो चुका है।
तो आप जो है ये देखेंगे यहाँ पे आप जैसे अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, तो पहले आपको जो है मानसून ब्रिज मिल जाता है, एंड देन आप जो है और आगे चलते हैं तो ये वाली जो है ये आपकी सेकंड कनेक्टिविटी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिर आप थोड़ा और आगे चलते हो तो ये जो है आपको मैप्सको माउंट वेले मिल जाता है, जो कि एक लग्जरी प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव है। उसी के साथ में जो है आपको गोदरेज 101 मिल जाता है, और फिर उसी के मतलब कि गोदरेज 101 के साथ में ही जो टावर्स हैं उनका ही नाम गोदरेज ने गोदरेज आर्या रखा है, वो भी यहीं पर है आपको, ठीक है। और उसी के साथ में आपको गोदरेज सॉरी सिग्नेचर ग्लोबल का गोल्फ ग्रीन का जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है वो मिल जाता है। और फिर आप थोड़ा और आगे आते हैं तो ये वाली जो रोड देख रहे हैं ना आप, ये वाली जो रोड है, ये रोड जो है होनी है, और ये हमारा जो है बेस्टेक पार्क व्यू अल्टूरा है, और ये जो है ये हमारे प्रोजेक्ट की एंट्री एग्जिट है, ठीक है। ये हमारे प्रोजेक्ट की क्या है, एंट्री और एग्जिट है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये वाली जो रोड है, ये आप बराबर में देख भी पा रहे होंगे कि इसके ऊपर जो है काम चालू हो गया है। आप एक्चुअल साइट देखेंगे तो ये वाली जो रोड है इसका काम चालू हो गया है। यहाँ पे एक अफोर्डेबल है ट्रू हैबिटेट बोथ 79 का, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है एम3एम ग्रुप की जो है टाउनशिप आ रही है, जो लो राइज फ्लोर्स की, ये सारी जो है ये एम3एम और स्मार्ट वर्ल्ड की है। बट इसी के साथ एक नया अपकमिंग में भी एक अफोर्डेबल आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट कनेक्टिविटी जो आपके बनती है बेस्टेक अल्टूरा के लिए वो बनती है आपके NH8 से यहाँ से, ठीक है। ये रोड जो है वो ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे कि बनने लग गई है। अब जो है हम देख लेते हैं कि हमारी सेकंड कनेक्टिविटी कहां से बनती है। तो हमारी जो सेकंड कनेक्टिविटी बनती है वो बनती है SPR रोड से। तो ये हमारा SPR रोड है, ये वाला जो है, ये अगर हम बादशाहपुर चौक से चलते हैं, ये जो है ये आप देख पा रहे हो ये सोना रोड है, ठीक है। ये आपकी SPR रोड है। हम SPR रोड की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर जो है आपको टाटा प्रेमंती का लग्जरी प्रोजेक्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको दिखा भी देता हूँ, ये टाटा प्रेमंती का लग्जरी प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद अब आप आते हो तो यहाँ पे जो है आपको क्या बोलते हैं M3M ब्रॉडवे है। फिर उसके बाद आपको यही नहीं, इसके अलावा भी M3M की जो अदर डेवलपमेंट है जैसे कॉर्नर वॉक वगैरह हो गया, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे DLF की जो अल्मेडा का जो फ्लोटिंग टाउनशिप है वो भी यहीं पर है। ये आपको जो है यहाँ पे सूरज स्कूल मिल जाती है, और इसी के साथ में आपको जो है BMW का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो मिल जाता है, और इसके थ्रू जो है आपको कनेक्टिविटी मिलती है। यहाँ पर जब आप आगे जाते हो तो ये आपका CPR आ जाता है, लेकिन आपको यहाँ नहीं जाना, यहाँ से जो है आपको लेफ्ट लेना है और यहाँ पे आना है। तो यहाँ तक जो है कम्प्लीटली जो रोड है वो प्रॉपर बनी हुई है अभी, मतलब ब्लैक टॉप है, और ये जो रोड है ये आगे जाती है आपकी हयात रेजिडेंसी पे जो है ना वहां पे कनेक्ट होती है NH8 से। तो यहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो रोड बननी स्टार्ट हो गई है, काम चालू हो गया है इसका। तो ये जो रोड की कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे आके जो है नोरंगपुर वाली रोड से कनेक्ट करती है, जो कि 60 मीटर रोड है। ये जो रोड है ये आपकी मैप्सको माउंट विले के आगे से होती हुई आती है। तो ये जो है ये आपकी दूसरी कनेक्टिविटी है आपके प्रोजेक्ट बेस्टेक अल्टूरा के लिए। तो सभी जो अपार्टमेंट है उनको हिल व्यू मिलेगा, ये आप देख पा रहे होंगे साइड में, ये अरावलीज है। यहाँ जो आपके दिल्ली NCR में आपको जो है कोई और जो लग्जरी प्रोजेक्ट है वो नहीं मिलेगा जिसको इस लेवल का हिल व्यू जो है अवेलेबल हो रहा हो। तो ये जो है आपके बेस्टेक के टावर्स हैं, और अभी जो है ये नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर रेडी टू मूव हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि कनेक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है इसके अलावा मैंने आपको डेवलपमेंट भी दिखा दी कि भाई मैप्सको भी है, गोदरेज भी है, फिर उसके बाद M3M ग्रुप की भी टाउनशिप आ रही है, कनेक्टिविटी भी दूसरी रेडी होने वाली है ऑलमोस्ट, और उसी के साथ में आपको जो है सूरज स्कूल जैसी बड़ी स्कूल जो ऑलरेडी फंक्शनल है वो मिल जाती है। फिर आपकी ये 9X सिटी है, फिर आप इसके अलावा आपको DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स है, फिर इसके बाद आपको M3M ब्रॉडवे के जो मॉल्स वगैरह हैं, ये DLF वाली अल्मेडा वाली टाउनशिप है फ्लोटिंग वाली। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है यहाँ पे जो सराउंडिंग के आप डेवलपमेंट देखेंगे, यानी 4 से 5 किलोमीटर के अंदर जो है ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ऑलमोस्ट आपको जो रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो सभी मिल जाती हैं, और डेवलपमेंट भी जो है काफी अच्छी खासी होने वाली है। तो इट मीन्स ये जो लोकेशन है ये काफी डेवलप होने वाली है बिकॉज ऑफ M3M ग्रुप के, और ये M3M ग्रुप के आने से जो है ये डेवलपमेंट अच्छी खासी होने वाली है और बहुत जल्दी रैपिडली होने वाली है। और सराउंडिंग में जो है आपको सिर्फ 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे तो DLF का जो अल्टीमा है वो मिल जाता है। ये आपके प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी रहेगी और सराउंडिंग की डेवलपमेंट रहेगी। अब जो है हम फ्लोर प्लान्स पे चलते हैं और फ्लोर प्लान्स को समझते हैं। हम फ्लोर प्लान्स को समझते हैं
ये जो हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा है ये 3 BHK का जो 2015 स्क्वायर फीट वाला जो साइज है वो उसका फ्लोर प्लान है। इसमें हम समझते हैं कि एरिया को कैसे डिवाइड किया गया है। तो ये जो है ये हमारी एंट्री रहेगी, और जो इसके अंदर जैसे हम एंटर करते हैं तो हमारे जो सामने है वो लिविंग एरिया आता है, और इसका जो साइज है वो 12x13 स्क्वायर फीट है, यानी कि 12x13 का ये साइज है। इसमें जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना ये मिलीमीटर में है, तो मैं आपको जो है स्क्वायर फीट में करके बता रहा हूँ। तो 12x13 स्क्वायर फीट का आपको लिविंग एरिया मिलता है, और इसी के साथ में जो आपको डाइनिंग एरिया दिखाई दे रहा है उसका जो साइज निकल के आता है वो आता है 10.2x10 स्क्वायर फीट का। फिर इसी के साथ आपको जो है अटैच किचन मिल जाता है, और जो किचन का साइज निकल के आता है वो 12.6x8 का साइज जो है किचन का निकल के आता है। इन दोनों के साथ जो है आपको रनिंग बालकनी मिलती है, दो रनिंग बालकनी है इसके अंदर, तो दोनों ही जो है आपको मतलब कि एंट्री और एंट्री मिलती है, एक्सेस मिल जाता है डाइनिंग से भी और किचन से भी। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर फर्स्ट बेडरूम। जो हमारा फर्स्ट बेडरूम है उसका जो साइज निकल के आता है वो 10x12 का हमारा फर्स्ट बेडरूम है, और इसी के साथ आपको जो अटैच टॉयलेट है वो मिल जाता है, और उसका साइज निकल के आता है 5.3x9.8। ये आपके B1 यानी कि फर्स्ट बेडरूम का साइज है, और टॉयलेट का साइज जो है वो 5.3x9.8 है। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर सेकेंड बेडरूम। तो ये जो है ये हमारा सेकेंड बेडरूम है, इसका जो साइज निकल के आता है वो एज इट इज ही है, 10x12 का साइज है, कुछ भी फर्क नहीं है, बहुत थोड़ा माइनर सा चेंजेस हैं। और जो इसके बेड टॉयलेट का जो साइज है वो 5.3x11.8 है, ठीक है। और इसको भी जो है बालकनी का एक्सेस मिलता है, और यहाँ आप B1 को देखेंगे इसको भी आपको बालकनी का एक्सेस मिलता है, यानी कि सभी रूम्स के साथ जो है ऑलमोस्ट आपको बालकनी का एक्सेस मिलता है, ऑलमोस्ट नहीं सभी रूम्स के साथ। आप देखो लिविंग एंड डाइनिंग को भी बालकनी का एक्सेस है, फर्स्ट बेडरूम को भी है, सेकेंड को भी है। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर मास्टर बेडरूम। जो हमारा मास्टर बेडरूम का साइज निकल के आता है वो 11.8x15.07, यानी कि 11 आप 12 बोल सकते हो, 12x15 का जो है मास्टर बेडरूम मिल जाता है, और इसका जो टॉयलेट साइज है वो निकल के आता है 11.8x7.5। इसमें जो है आपको मतलब वार्डरोब्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला जो जगह है यहाँ पे आपको जो है वार्डरोब्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह चीजें रख सकते हो, और आपको जो है दो रनिंग बालकनी मिलती हैं। तो आप देखेंगे कि कंप्लीट अपार्टमेंट के साथ आपको बालकनी के एक्सेस मिलते हैं, और बालकनी भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर सेकेंड फ्लोर प्लान, जिसका जो साइज है अपार्टमेंट का वो है 2050। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे इसका 2050 साइज है, और इसका जो एंट्री है वो ये है, और इनका जो एंट्री फोयर है उसका जो साइज निकल के आता है यानी कि लॉबी का साइज है 8.2x5.8। ये आपका एंट्री है, और आप जैसे ही एंट्री करते हैं आप लिविंग एरिया में होते हैं, और इसमें भी देखिए यहाँ पे भी एक्सेस है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि अपार्टमेंट ऐसे हैं कि सभी अपार्टमेंट्स के साथ आपको जो है बालकनी का एक्सेस मिलता है। नाउ हम बात करते हैं लिविंग एरिया की, तो जो लिविंग एरिया है वो निकल के आता है 10.2x10 स्क्वायर फीट का, और इसी के साथ डाइनिंग एरिया जो है वो निकल के आता है 11.8x13.5, और इसी के साथ आपको किचन मिल जाता है, और किचन का साइज है 12.6x8.1। ये आपका किचन का साइज रहता है। नाउ अब हम हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है जिसका साइज निकल के आता है 10.8x11.8, और इसी के साथ आपको अटैच टॉयलेट मिल जाता है, और उसका जो साइज है वो 5.3x9.8 निकल के आता है, और उसके साथ आपको जो है बालकनी का एक्सेस भी मिल जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर सेकेंड बेडरूम। और हमारा जो सेकेंड बेडरूम है उसका भी साइज जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ टॉयलेट के साइजेस में थोड़ा बहुत अंतर है। वो है ये भी जो है 10.8x11.8 का है, तो जो टॉयलेट की साइज है वो 5.3x8.8 है। इसमें आपको 9.8 मिलता है, यहाँ पे 8.8 मिलता है, सिर्फ ये डिफरेंस है दोनों टॉयलेट्स में, अदरवाइज बेडरूम के साइजेस दोनों के ये दोनों जो है सेम है। नाउ हम हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो 11.8x15.07 का निकल के आता है, और इसी के साथ आपको जो है एक टॉयलेट भी मिल जाता है, और वो जो टॉयलेट का साइज है वो 11.8x7.5 है। ये जो है आपका टॉयलेट का साइज रहेगा। तो ये हमारा सेकंड मतलब कि सेकंड अपार्टमेंट है, सेकंड टाइप का। तो इसका जो आपने देखा कि साइज कैसे कैसे क्या डिवाइड किया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर थर्ड फ्लोर प्लान। ये जो हमारा थर्ड फ्लोर प्लान है ये 3 BHK प्लस सर्वेंट का है, और इसका जो साइज है अपार्टमेंट का वो है
2150 स्क्वायर फीट का। और इसकी जो एंट्री है वो यहाँ से होती है, ये वाली जो एंट्री है इसके अंदर आपको सर्वेंट रूम और मिलता है। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो जगह है यहाँ पर भी जो है आप गेट वगैरह लगा के वो कर सकते हो। आपको जब मैं एक्चुअल फ्लैट दिखाऊंगा तो सॉरी सैंपल फ्लैट दिखाऊंगा तो उसमें आपको थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो पाएगा। पहले हम फ्लोर प्लान्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप पहले देखते हो तो यहाँ पे आपका सर्वेंट रूम आ जाता है। सर्वेंट रूम का जो साइज है वो 10.8x7.6 है और विद टॉयलेट है, इसके साथ भी टॉयलेट है आपका। अब हम जो है हमारे अपार्टमेंट के अंदर एंट्री करते हैं और इसके साथ जो है आपको किचन का एक्सेस मिलता है सर्वेंट रूम के साथ में। तो ये आप बालकनी बोल सकते हो, ये एक तरीके की बालकनी है, ठीक है। तो पर पहले हम जो है स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। ये जो है जैसे हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपका लिविंग एरिया आ जाता है और इसका जो साइज निकल के आता है वो 16.2x12.3 निकल के आता है। फिर आपका ये आपका डाइनिंग एरिया है और डाइनिंग एरिया का जो साइज निकल के आता है वो 11.7x10.8 निकल के आता है। और फिर ये हमारा जो है किचन है इसी के साथ, और ये जो किचन का है ये साइज निकल के आता है 8.3x10.8। और ये देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया था ये यहाँ से जो है एक्सेस मिलता है आपके सर्वेंट को, ठीक है, ये यहाँ से होता है। और अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है और इसका जो साइज निकल के आता है वो 10.7x11.8 का निकल के आता है। और इसके साथ जो अटैच टॉयलेट है उसका साइज निकल के आता है 6.4x9.9 का। तो काफी अच्छा स्पेशियस है, ठीक है। अब हम सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकंड बेडरूम है और हमारा जो सेकंड बेडरूम है उसका साइज है 11.8x10.8 और उसी के साथ आपको टॉयलेट अटैच मिल जाता है। ये आप कॉमन टॉयलेट भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें टू वे एक्सेस है। ये आपको कॉमन एरिया से है और ये आपके बेडरूम से है। आप इसको प्राइवेट चाहो तो प्राइवेट यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉमनली भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो साइज है वो 8.5x6.7 है। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर मास्टर बेडरूम। ये हमारा मास्टर बेडरूम है और मास्टर बेडरूम का जो साइज है इसमें बहुत ही स्पेशियस है, यानी कि 15.5x11.8 स्क्वायर फीट का आपको साइज निकल के आता है जो कि बहुत ही स्पेशियस है। आई थिंक बेस्ट इन सेगमेंट आपको जो है मास्टर बेडरूम मिलता है। और इसका जो टॉयलेट है वो भी काफी स्पेशियस है, 14x5 का आपको जो है, सॉरी 14x6 का है, यानी कि अगर एग्जैक्ट बात करूँ तो 14x5.9, यानी कि 5.9 यानी कि 6 ही बोल सकते हो आप, 14x6 का आपको जो है टॉयलेट एरिया मिल जाता है जो कि काफी स्पेशियस है। यहाँ पर भी आपको एक बालकनी, फिर दो बालकनी और फिर ये तीन और ये चार, यानी कि इसमें आपको चार बालकनी मिलती है 3 BHK प्लस सर्वेंट में। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट फ्लोर प्लान जिसका जो साइज है वो है 2675 स्क्वायर फीट और 4 BHK में सिर्फ एक ही टाइप है और वो ये वाला है, ठीक है। ये 4 BHK का फ्लोर प्लान है। ये जो है आपको इसके अंदर एंट्रेंस मिल जाता है, उससे पहले आपको जो है सर्वेंट रूम मिलता है। तो हम पहले सर्वेंट रूम की बात कर लेते हैं। इसमें जो सर्वेंट रूम है वो 7.5x11.8 प्लस टॉयलेट मिल जाता है, ठीक है। ये आपका सर्वेंट रूम है और इसके साथ भी आपको किचन का एक्सेस मिल जाता है। और ये देखिए बालकनी यहाँ पे सेपरेट की हुई है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि सर्वेंट जो है आपके बाकी जगह को जो है एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ आपकी किचन तक ही उसका एक्सेस लिमिटेड रहेगा। फिर हम हमारे फ्लैट के ऊपर आ जाते हैं। जो हमारा फ्लैट की जो एंट्रेंस लॉबी है वो निकल के आती है 5.9x5.8 की। ये हमारी एंट्रेंस लॉबी है। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया का जो स्पेस है वो निकल के आता है 13.3x15.1 स्क्वायर फीट और इसके साथ आपको बालकनी का एक्सेस मिलता है। एंड नाउ ये जो है ये हमारा डाइनिंग एरिया है और डाइनिंग एरिया जो है वो 10.2x11.8 स्क्वायर फीट का है और इसके साथ आपको किचन मिल जाता है और जो किचन का एरिया है वो 8.1x11.6 है और इसके साथ ये जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बालकनी यहाँ से अटैच है। और नाउ ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है और जो फर्स्ट बेडरूम का साइज निकल के आता है वो 12.4x11.3 है और इसके साथ जो अटैच टॉयलेट है उसका साइज निकल के आता है 5.9x9.4। ये आपका जो है फर्स्ट बेडरूम है। नाउ ये हमारा सेकंड बेडरूम है और जो सेकंड बेडरूम है उसका साइज है 11.8x12.3 और इसके साथ जो अटैच टॉयलेट है उसका साइज निकल के आता है 5.9x8.9। ये आपका अटैच टॉयलेट का साइज निकल के आता है बेडरूम सेकंड का। नाउ अब हम जो है हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये हमारा थर्ड बेडरूम है और इसका जो साइज है वो 11.5x12.3 है और इसके साथ जो अटैच टॉयलेट है उसका साइज है 6.2x8.8। तो ये आपका थर्ड बेडरूम का साइज रहेगा। नाउ अब हम हमारे मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। ये जो है ये हमारा मास्टर बेडरूम है और इसका जो साइज निकल के आता है वो आता है 11.8x15.3 और इसके साथ हमारे को अटैच टॉयलेट मिलता है, वो उसका जो साइज है वो 5.9x14.4 स्क्वायर फीट का आपको
टॉयलेट एरिया मिल जाता है और सभी के साथ आपको बालकनी मिल जाती है, रनिंग बालकनी है, अच्छा खासा स्पेस है, आप इसमें आराम से पार्टी कर सकते हो, मतलब आराम से 15-20 लोगों की पार्टी अगर आप करते हो यहाँ पे तो आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से घर पे वो पार्टी जो है कर सकते हैं। तो ये जो है ये 4 टाइप के फ्लोर प्लान थे, आपको साइजेस बता दिए, फ्लोर प्लान समझा दिए, आपको कैसे एरिया जो है डिवाइड किया गया फ्लैट का वो दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्लोर प्लान आपको समझ में आ गए होंगे प्रॉपरली। अगर कुछ डाउट रह गया है इसके अंदर भी अभी भी तो आप जो है कनेक्ट कर लेना, नंबर जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे या फिर आपको बता भी देता हूँ 8750868686 पर। चलिए अब हम सैंपल फ्लैट और सोसाइटी को देख लेते हैं। Thank you.
इन लास्ट हमें ये प्रोजेक्ट क्यों लेना चाहिए, मतलब व्हाई यू शुड अप्लाई इन दिस प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो बेस्ट यूएसपी है वो इसका अरावली व्यू है। मीन्स इस प्रोजेक्ट में आपको एक प्रॉपर अरावली व्यू मिलता है और ये चीज इस प्रोजेक्ट के अलावा किसी अदर एनसीआर प्रोजेक्ट में आपको नहीं मिलती है। सेकेंड रीजन इज इट इज वेरी वेल कनेक्टेड विद मेजर रोड्स लाइक एसपीआर रोड एंड NH8। एंड द थर्ड रीजन इज इसमें आपको जो है मॉड्यूलर किचन मिलता है, एसी जैसी आपको चीजें जो है वो बिल्डर एंड से ही आपको अपार्टमेंट में मिल जाती हैं। वन मोर थिंग इज इट इज नियर टू पोजेशन, तो नियर टू पोजेशन होने की वजह से आपको जो है प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ खास खूबियां हैं। तो अगर आप स्पेशियस अपार्टमेंट, प्राइम लोकेशन पर और नियर टू पोजेशन प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइस के अंदर, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करके जरूर देखिए। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आपको बेस्टेक अल्टुरा की कंप्लीट डिटेल्स मिल गई होंगी। अगर आपको इस सोसाइटी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप हमारे नंबर 8750868686 पर कॉल या व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा भी अगर गुड़गांव के आपको किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर आप उनकी साइट विजिट करना चाहते हैं तो भी आप जो है हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर जरूर करो। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप रियल एस्टेट मार्केट के रिगार्डिंग अपडेट रहेंगे और आपको टाइम टू टाइम जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। गाइज अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।